अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो प्रेज द लॉर्ड। धन्यवादेशु, धन्यवादेशु, धन्यवादेशु। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। तारीफ करते हैं महाप्रतापी राजा, बड़ाई प्रशंसा करते हैं, आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं यीशु जी। अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता। पिता यीशु, मेरा अब्बा, मेरा फादर, स्वर्गी के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से आपकी हजूरी में आते हैं, आपके दिए हुए आज के समय में, आज के सुंदर संध्या काल में प्रभु, आज के रात्रि के इस सुनहरा अवसर में प्रभु जी आपके संगति में आते हैं। एक बार फिर से हमारी ओर अपने मुख को फेरिए, हाँ अपने मुख को फेरिए, हमारे मुख के वचन को प्रभु जी, दुआ प्रार्थना को, हमारे मुंह के पढ़ते शब्द को प्रभु जी सुनिए। और सुन करके चुप मत रहना, उत्तर देना, जवाब देना, विलंब मत करना, देर मत करना, लेट मत करना प्रभु, फूर्ति करना। अस्तुति हो पिता, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा होखे, आपकी तारीफ होखे, आपकी बड़ाई होखे, आपका आदर और सम्मान होके, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर प्रभु को पुकारे, प्रभु को आवाज़ दे, प्रभु सुनेगा और छुटकारा देगा। जो कुछ से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, श्राप से, अंधकार की शक्तियों से, शैतान से, किसी प्रकार के शकेती संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रभु उससे आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, जब आप पे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 11 अध्याय के 28 पद के वचन को पढ़िएगा, इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा, शांति दूंगा, सुख चैन दूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, अगर आप पे बोझ से, किसी प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, चाहे वो चिंता की बोझ हो, किसी प्रकार के तनाव के बोझ हो, डिप्रेशन के, फालतू सोच के, नेगेटिव बात, नकारात्मक ऊर्जा की बोझ हो, नाना प्रकार की समस्या का, कलेश का बोझ क्यों ना हो, बीमारी का बोझ क्यों ना हो, शकेती का, गरीबी का बोझ क्यों ना हो, कर्ज का बोझ क्यों ना हो, उन सारे बोझों से प्रभु बोलता है आपको छुटकारा देगा, प्रभु के पास आइए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। शुरू बार में क्या लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों। हालेलुया, बहुत से ऐसे लोग हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, पर सफलता नहीं मिलता। जो कुछ बनने के लिए, जो कुछ पाने के लिए, हासिल करने के लिए, जिस स्थानों पर बैठने के लिए, जिस दिन को देखने के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, पर उनका मेहनत परिश्रम रंग नहीं लाता है, सफल नहीं होता है, व्यर्थ चला जाता है। प्रभु कहता है मेरे पास आओ, व्यर्थ नहीं जाएगा, रंग लाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु के निकट आइए। कैसे आएंगे प्रभु के निकट? प्रार्थना से, वचन से, प्रभु के भय में चल के, प्रभु के आज्ञा को अपने हृदय में रख कर उसका पालन करके, प्रभु के विधि नियम को मान के, उपवास में प्रार्थना करके प्रभु के निकट आएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप पे प्रभु के निकट आएंगे,
तो प्रभु भी आपके निकट आएगा और आपके सारे परेशानी को, सारे दिक्कत को, तकलीफ को, समस्या को ख़त्म कर देगा, बीमारी को, कर्ज को, शकेती को, कलेश को, गरीबी को, घटी को ख़त्म कर देगा, दर्द पीड़ा को, दुखों को, शोक विलाप को ख़त्म कर देगा और आपके जीवन में आपको सफलता देगा। आप हर एक कामों में, कार्यों में सफल होंगे। आप जो कुछ बनने के लिए, जो कुछ पाने के लिए, जिस स्थानों पर बैठने के लिए, जिस दिन को देखने के लिए मेहनत परिश्रम कर रहे हैं और असफल होते जा रहे हैं, असफल नहीं होंगे, सफल होंगे। आपका मेहनत परिश्रम रंग लाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो। महिमा हो खुदा, महिमा हो खुदा, महिमा हो खुदा। तारीफ करते हैं प्रभु, तारीफ करते हैं प्रभु, तारीफ करते हैं प्रभु। हे राजाओं के राजा, सहायता कीजिए, महाप्रतापी राजा, धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय, आपके जीवन में किसी भी चीज़ की, बात की, भली वस्तु की कमी घटी है, जो महाप्रतापी राजा है उससे मांगिए, जो राजाओं का राजा है, जिसको स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार दिया गया है, उससे मांगिए, वो आपके मांगों को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के राजकुमार, आशीषों के पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए प्रभु जी, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब प्रकार के प्रभु शकेती से प्रभु जी, कलेश से प्रभु जी, एक एक को छुटकारा दे, सबों के जीवन से प्रभु जी, श्राप के बंधन को, शैतान के बंधन को तोड़ डाल, बुराई के बंधन को प्रभु जी, दुष्टता के काम के बंधन को तोड़ डाल, शैतान के बेड़ या जंजीरों को प्रभु टुकड़े टुकड़े कर दे, कोई प्रभु जी शैतान के छाया में चलने ना पाए, शैतान के अनुग्रह में चलने ना पाए प्रभु, सब प्रभु जी आपके अनुग्रह कृपा में, आपके ज्योति में चलने पाए। सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी। जो कोई अपने कामों में, कार्यों में असफल हो रहे हैं प्रभु जी, उनको तू ब्लेस कर, हाँ प्रभु जी आशीषित करता कि फिर कभी अपने कामों में, कार्यों में, किसी भी कामों में असफल ना हो बल्कि सफलता को पाए। सहायता कीजिए जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी, आपके बरकत को, अगुवाई मार्गदर्शन को पाए, सहायता कर, मदद कर खुदा। आपकी स्तुति हो प्रभु, जो कर्ज से, लोन से, महाजन से प्रभु जी दबे हुए हैं, जो बैंक से लोन लिए हैं, किसी से उधार लिए हैं प्रभु जी, उनके लिए हम आपसे दुआ करते हैं, उनके लिए आप पे अपना उत्तम भंडार खोल दीजिए, स्वर्ग के झरोखे, आकाश के झरोखे खोल दीजिए, उनके जॉब में, बिजनेस में, व्यापार, खेती बाड़ी में, उनका जो कुछ का कारोबार है उसमें आशीषें दीजिए प्रभु जी, लाभ होने दीजिए, फायदा होने दीजिए प्रभु, ताकि वो लोग बहुत आसानी से अपने कर्ज महाजन लोन को बहुत जल्द भर सके, चुका सके। बंदी गृह से प्रभु हर एक बंधन से छुटकारा दे, जो कोई अपने घर को प्रभु, अपने जेवर को, अपने जगह जमीन को, अपना जो कुछ किसी के पास गिरवी रखे हैं स्वर्गीय पिता, छूटने के लिए प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं। प्रभु अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर मेरे प्रियो, कभी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए, किसी भी भली वस्तु के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना ही नहीं पड़ेगा। आमीन ही, प्रभु का जीवित वचन बोलता है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के वचन को पढ़ेंगे उसमें लिखा है, किसी से आपको कभी उधार लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप दूसरों को उधार देंगे जब आप प्रभु के सब आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं,
उस पर चलने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगिए, सामर्थ मांगिए, आत्मा मांगिए, प्रभु का रूह मांसा तेल मांगिए। उस पर चलेंगे, किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, कभी कर्ज महाजन लोन से नहीं दबेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। और बहुत से आशीष उसमें लिखा है आपको मिलेगा, आप अपने कामों में सफलता को पाएंगे। नाना प्रकार की समस्या कुछ नहीं करेगा, आपके जीवन में आएगा ही नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कोई दुष्ट क्रूर मनुष्य आपका कुछ हानि नहीं करेगा, आपका कुछ नुकसान नहीं करेगा, किसी प्रकार का चोट आपको नहीं पहुँचाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, महिमा करते हैं प्रभु जी। सारे रोगों से प्रभु जी, हाँ सारे बीमारी से छुटकारा दीजिए, सारे सकेती से उद्धार कीजिए प्रभु जी। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। चिंता के बोझ को प्रभु जी, डिप्रेशन तनाव के बोझ को, फालतू सोच के बोझ को प्रभु जी खत्म कर दे। जितने लोग प्रभु जी आपके निकट आए हैं, आप भी उनके निकट आइए प्रभु। अपने योग बना करके, सब प्रकार के बोझों से छुटकारा दे करके विश्राम दीजिए, शांति दीजिए, सुख चैन दीजिए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा 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 करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, कृपा प्रभुता करते, करुणा करते माय लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता। हे मेरे महान खुदा, सहायता कीजिए प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु जी। नाना प्रकार की समस्या से छुटकारा दीजिए प्रभु। अनुग्रह का शौक के बोझ से प्रभु जी छुटकारा दे प्रभु जी। बीमारी के बोझ से, सकेती के बोझ से प्रभु, श्राप के बोझों से प्रभु, कर्ज के बोझों से प्रभु छुटकारा दे। आज शाम की प्रार्थना और वचन को जितने रिसीव किए हैं, वो लोग प्रभु जी जिस बोझों से दबे हुए हैं, जिस परेशानी में हैं, सकेती में, तकलीफ में, दुख दर्द पीड़ा में है, उसमें से आप उन सबों को बाहर निकालिए, ताकि वो लोग आनंद से भर कर आपकी महिमा करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए, आपकी बढ़ाई करने पाए। खुदा धन्यवाद देते, स्तुति हो पिता। पूरे दिन प्रभु जी आप संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए। डरावने बुरे सपनों से, रात के अंधेरों से प्रभु जी, रात के अंधेर अंधेर के डर से प्रभु जी एक एक को छुटकारा दीजिए प्रभु। सारे रोग बीमारी से छुटकारा दे। धन्यवाद यीशु। कोई प्रभु किसी प्रकार के दुख दर्द पीड़ा में रहने ना पाए, सकेती में, कलेश में रहने ना पाए, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव में, आर्थिक तंगी में, गरीबी घटी में रहने ना पाए, बाहर निकालिए। ये भाई, ये बहन जो कुछ बनने के लिए, पाने के लिए, जिस दिन को देखने के लिए प्रभु, जो प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय पिता मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं प्रभु, इनका मेहनत परिश्रम प्रभु जी व्यर्थ जाने ना पाए, बल्कि रंग लाने पाए, ऊंचा पद दीजिए, इनके स्थान को ऊंचा कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब कुछ अच्छा कर दीजिए। अच्छे दिन को, अच्छे वक्त को, अच्छे घड़ी को प्रभु एक एक को दिखाइए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी तारीफ हो, आपकी तारीफ हो, आपकी तारीफ हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो लॉर्ड जीसस। स्तुति हो पिता। प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं, सहायता मदद गाइड करने वाले खुदा, अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद करते हैं, दयालु कृपयालु अति करुणा में धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, सारा आदर आपको मिले, सारा सम्मान, महिमा, प्रशंसा आपकी हो स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक जीवन से आपकी स्तुति हो, ऐसा अनुग्रह हर एक जीवन के ऊपर आप कीजिए प्रभु जी। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना भी से हमें दिए हैं, उस पर दृष्टि कीजिए और उसका उत्तर हे खुदावन यीशु हाँ आमीन में सबको दीजिए।
ताकि सबों का विश्वास आप पर अटल बना रहे। सब भी प्रभु जी आपकी महिमा करें, आपके नाम की जय जयकार करें। पिता धन्यवाद देते हैं, सुजी तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, किसी के काम भी तेरे काम के बराबर नहीं है। यीशु जी जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं वो सब आपसे जो कुछ भी चाहते हैं प्रभु जी पूरा कीजिए, जो कुछ की इच्छा रखते हैं लाशा रखते हैं दीजिए स्वर्गीय पिता, जो कुछ भी प्रभु जी प्राप्त करना चाहते हैं दीजिए स्वर्गीय पिता। स्तुति करते हैं यीशु जी, महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं मेरे महान परमेश्वर, दयालु कृपयालु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, मददगार खुदा धन्यवाद हो, स्तुतियों में वास करने वाले धन्यवाद हो, यीशु राजा धन्यवाद करते हैं, प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, नासरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो प्रभु, 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 तारीफ हो प्रभु। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, जो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं प्रभु जी, हमेशा सोचते रहते हैं प्रभु जी, चिंता करते हैं, तनाव में रहते हैं, उनको प्रभु जीवन दे, हाँ उनको जीवन दे। स्तुति व जीवन दाता आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, जीवन को आकार देने वाले, जीवन को सुंदर बनाने वाले, संवारने वाले, सजाने वाले प्रभु यीशु मसीह, चमकाने वाले, सफल बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, हर एक के जीवन के ऊपर आपकी अनुग्रह हो प्रभु, आपकी प्रभुता हो प्रभु, आपकी दया कृपा करुणा हो स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते ताकि हर एक जीवन प्रभु जी संवर जाए स्वर्गीय पिता, सहायता कीजिए, हर एक जीवन को आकार मिल जाए स्वर्गीय पिता, सहायता कीजिए, आपकी स्तुति हो मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर, हाँ परमेश्वर आकारहीन बिंडोल सुनसान पृथ्वी को आकार दे सकता है तो फिर वो आपके जीवन को भी आकार दे सकता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, वो आपके जीवन को भी आकार देगा। प्रभु से लिपटे रहिए, वो समय वो घड़ी वो वक्त वो पल आप दूर नहीं हैं, आप अपने जीवन को सफल होते हुए देखेंगे, अपने जीवन को संवारते हुए देखेंगे, अपने भविष्य को अच्छा बनते हुए उज्जवल बनते हुए देखेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं खुदा जी, महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु, आपकी तारीफ हो प्रभु, आपकी तारीफ हो प्रभु, आपकी तारीफ हो प्रभु। बड़ाई करते हैं यीशु जी, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, महिमा हो, महिमा में महान, सहायता मदद गार्ड करने वाले खुदा धन्यवाद करते, अनुग्रहकारी प्रभु धन्यवाद करते, कृपयालु दयालु प्रभु धन्यवाद करते, अति करुणा में अति समर्थी सर्वशक्तिमान धन्यवाद करते, सहायता मदद गार्ड कीजिए प्रभु जी, देखभाल करने वाले रखवाली करने वाले सुनाश्री धन्यवाद देते, पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात्रि, हाँ पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए, हम सब और हमारा परिवार पूरे रात्रि अपने बिछोने में निश्चित सोने पाए, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी होने मत दीजिए, रोग बीमारी उत्पन्न होने मत दीजिए प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु जी, आपकी इच्छा प्रभु एक और नए दिन को हम देखें और उसमें आपकी महिमा करें प्रभु, अपने मुँह को खोल करके अपनी आवाज़ों को उठा करके प्रभु आपकी प्रशंसा करें, सच्चाई से आपकी प्रशंसा करें प्रभु, अपने हाथों को उठा करके आपको धन्यवाद दे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते आपकी स्तुति हो प्रभु जी, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा।
हाँ बहुत आशीषित करेगा, सब प्रकार के बोझों से आपको छुटकारा देगा, रोग बीमारी से, कलेश से, पारिवारिक के सारे कलेशों से आपको छुटकारा देगा। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीषित करेगा, बरकत से भरेगा, बहुत ब्लेस करेगा, आगे बढ़ाएगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रार्थना करना और प्रभु के वचन को पढ़ना छोड़ना नहीं है, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, हालात हो, कितनों भी विपत्तियाँ आ जाए, समस्या आ जाए, मुश्किल घड़ी आ जाए, लेकिन प्रभु से बातें करते रहना है, प्रभु के वचन को पढ़ते रहना है, उसके आज्ञा का पालन करते रहना है। प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु के मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह।